सुप्रभात बच्चों एवं अभिभावक गण। हिंदी कक्षा 2 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सेकेंड टर्म सेकेंड असेसमेंट के लिए हिंदी साहित्य का दोहराव करेंगे। पाठ 16 बहादुर दोस्त तथा पाठ 17 हमारा भारत कविता का दोहराव करेंगे। सबसे पहले मैं पाठ का संक्षिप्त रूप बताऊंगी। पाठ 16 बहादुर दोस्त। दीपक के जन्मदिन के अवसर पर उसके पिताजी ने दीपक को कुत्ते का बच्चा उपहार स्वरूप दिया। दीपक ने उस कुत्ते के बच्चे का नाम पीलू रखा। कुछ दिनों में दोनों में मित्रता हो गई। एक दिन की बात है, अचानक रात में पीलू चोर को देखकर भौंकने लगा और दीपक को उठाने की कोशिश करने लगा। पीलू और दीपक चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे। इतने में शोर सुनकर माँ, पिताजी और पड़ोसी आ गए और चोर पकड़ा गया। पुलिस भी आ गई। पुलिस ने दीपक की पीठ थपथपाई। अब मैं पाठ 17 हमारा भारत कविता का अर्थ बताऊंगी। बहुत संक्षेप में बताऊंगी बच्चों। हमारा भारत कविता में छोटे छोटे बच्चे मिलकर गा रहे हैं। उन्हें अपना देश भारत सबसे प्यारा लगता है। बिजली, सूरज सभी कहते हैं कि भारत ज्ञान का ज्ञाता है। नदियां, झरने, चिड़िया, पेड़ पौधे आदि सभी को भारत देश अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा लगता है। समझ में आया बच्चों? बच्चों, जिस प्रकार परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में प्रश्न आते हैं, उसी तरीके से मैं आप लोगों का दोहराव करवाऊंगी। बच्चों, हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि परीक्षा में हिंदी लैंग्वेज में हिंदी पाठ्य पुस्तक से तथा व्याकरण आनंद से प्रश्न आते हैं। जरूरी नहीं कि पाठ के अंत में जो अभ्यास दिए हुए हैं वहीं से सिर्फ प्रश्न आए। पाठ के बीच से भी प्रश्न आते हैं। इसलिए आप लोगों को पूरे पाठ को अच्छी तरह ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब हम लोग श्वेत पट पर ध्यान देंगे। प्रश्न 1, पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न 1, पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखें। पिताजी दीपक के लिए क्या लाए? पिताजी दीपक के लिए एक छोटा सा भूरा पिल्ला लाए। पिताजी दीपक के लिए एक छोटा सा भूरा पिल्ला लाए। हाँ, हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम भारत है। हमारे देश का नाम भारत है। हमारे देश का नाम भारत है। प्रश्न 2, शब्दार्थ लिखे। राह,
रास्ता। नन्हे, नन्हे का अर्थ होता है छोटे, आप लोगों जैसे छोटे बच्चे। छोटे। प्रश्न तीन, पाठ के आधार पर खाली जगहों को भरे। क, दीपक पीलू को बहुत डांस करता था, क्या करता था? प्यार। दीपक पीलू को बहुत प्यार करता था। ख, हमें अपना देश अपनी डांस से भी प्यारा लगता है। जान। हमें अपना देश अपनी जान से भी प्यारा लगता है। प्रश्न चार, कविता की पंक्तियां पूरी करें। सबसे न्यारा देश हमारा, देश हमारा, भारत प्यारा, देश हमारा, भारत भारत प्यारा। सबसे प्यारा देश हमारा, भारत प्यारा देश हमारा। प्रश्न पांच, इन संयुक्ताक्षरों से दो दो शब्द बनाए। न न संयुक्त, प्रसन्न, प्रसन्न, अन्न। त त संयुक्त, कुत्ता, पत्ता, प्रश्न छ, इन शब्दों से सार्थक वाक्य बनाएं। फूल से वाक्य बनाएंगे बच्चों। गुलाब का फूल सुंदर है। गुलाब का फूल सुंदर है। गुलाब का फूल सुंदर है। सूरज, सूरज से वाक्य बनाएंगे। सूरज पूरब में उगता है। सूरज पूरब में उगता है। सूरज पूरब में उगता है। प्रश्न सात, यह वाक्य किसने कहा? देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, किसने कहा बच्चों? पिताजी ने कहा। पिताजी ने कहा। पिताजी ने कहा। समझ में आया बच्चों? अब हमारा दोहराव कार्य यहाँ समाप्त होता है। इसी तरीके से प्रश्न आते हैं बच्चों। बच्चों, परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के आधार पर प्रश्नों के पैटर्न के अनुसार दोहराव किया गया है, लेकिन अभी ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। यही सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, जिसके चार विकल्प दिए जाएंगे। सही उत्तर को आपको उसमें से सेलेक्ट करना रहेगा, यानी सही विकल्प पर आपको टिक करना होगा। जैसे दीपक ने पिल्ले का क्या नाम रखा? टॉमी, पीलू, भोलू, लाली। इनमें से सिर्फ एक ऑप्शन सही है, पीलू, तो आप पीलू पर टिक लगाएंगे। आप लोग पूरे पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे।
ये सारे प्रश्नोत्तर आपके विद्यालय के वेबसाइट पर भेजे जाएंगे। आप लोग इन प्रश्नों का लिखित एवं मौखिक अभ्यास करेंगे, अपनी रफ कॉपी में लिख लिख कर याद करेंगे। कृपया अभिभावक गण बच्चों की मदद करें। धन्यवाद।